सर्वे से आगाज करने वाले दुनिया की बेहतरीन सहूलियात के साथ इंटरनेशनल ब्रांड रिवाइव लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी सैलून एंड इंस्टीट्यूट ने गुजरात में अपनी 5वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह मेहमानान ने हसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी समीना फर पगावाला साबिक उम्मीदवार MNA मलक नदीम अशक अवान और मुल्क के नामवर मेकअप आर्टिस्ट AM चौहान ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर किया। मेहमानों का इस्तकबाल मिस तनवीर नबी ऑफ नॉर्वे, मिस आयशा अजीम ऑफ लाहौर, मलक आसमान अफजल ऑफ कोटला और दीगर स्टाफ ने कुल्लू के गुलदस्ते पेश करके किया। इफ्तिताही तकरीब के दीगर मेहमानों में चौधरी अजीजुर रहमान, शेख नासर साइद, हाजी शाहिद, मिर्जा खुर्रम, मलक बलाल, खान अदरीस और दीगर शामिल थे। समीना फहर पगामाला का इस मौका पर कहना था कि गुजरात के अवाम को एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात फराहम करने पर रिवाइव की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ और इंटरनेशनल ब्रांड का गुजरात में आना खुश आइन है। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि गुजरात में अरसे से एक अच्छे ब्यूटी सैलून की कमी थी जिसके अंडर वन रूफ हर सहूलत आपको मिले। और आपको पता है ख्वातीन के साथ साथ मर्दों को भी शदीद ज़रूरत होती है और अपना ख्याल रखना, अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करने के लिए कि कैसे वो दिखें। तो आज बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में रिवाइव एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ब्रांड है जिसकी फ्रेंचाइज गुजरात में स्टार्ट हुई है। मैडम तनवीर और मैडम आयशा के साथ मिलकर उस्मान साहब ने ये एक नया कदम उठाया है और मेरे ख्याल में मुझे यहाँ आके जितनी खुशी महसूस हुई है बाकी आवाम को भी यहाँ आके बहुत खुशी महसूस होगी। AM चौहान का कहना है कि रिवाइव एक इंटरनेशनल और अच्छा ब्रांड है। किसी ब्रांड को सिर्फ लाना ही नहीं होता बल्कि समझ के लाना बड़ी बात होती है। बेस्ट विशेस और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं देता हूँ ऑनर्स को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जिस फील्ड में हूँ जब से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड बहुत कॉन्शियस, हमारी क्लाइंट्स आजकल की ब्रांड कॉन्शियस है और डप्लेक्स लेके और एलोनोरा लेके बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम जो बात है कि ब्रांड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रांड को समझ के लेना बहुत बड़ी बात है। जो कि मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने ब्रांड को समझते हुए लेके आए कि हमारे क्लाइंट्स की या हमारी पब्लिक की ख्वाहिश क्या है और हमारी पब्लिक को सर्विसेज कैसी मिलनी चाहिए। मेज़बान और ओनर्स मिस तनवीर नबी, मलक आसमान अफजल, मिस आयशा अजीम ने कस्टमर सर्विसेज के बारे में बताया कि क्वालिफाइड स्टाफ के जरिए रिवाइव के कस्टमर्स को मेकअप, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, बॉडी मसाज, स्ट्रीम बाथ, मैनिक्योर, पेडिक्योर समेत तमाम सहूलियात मुनासिब दाम में मुहैया की जाएंगी। एक नॉर्वेजियन ब्रांड है और इसकी हमारी जो पहली फ्रेंचाइज है वो नॉर्वे ओस्लो में है। सेकेंड फ्रेंचाइज हमने 2006 में लाहौर में ओपन की। थर्ड माशाल्लाह लास्ट ईयर खारिया में और फोर्थ जो है जेलम में 6 मंथ हो गए हैं और फिफ्थ का हम माशाल्लाह करने जा रहे हैं आज। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये गाइड कर दूं कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके एक छत तले आपको लेडी सैलून, जेंट्स सैलून और जिम तीनों चीज़ें आपको मुयसर हैं। इसमें हमारे पास प्रोफेशनल स्टाफ है और जो प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह वो हमारे पास सारी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी फ़र्स्ट जो ब्रांच थी वो नॉर्वे में रजिस्टर्ड थे और उसके बाद हमने इसका पहली ब्रांच या सेकंड ब्रांच हमने लाहौर में खोली आज से 5 साल पहले और थर्ड ब्रांच खारिया में, फोर्थ जो है वो जेलम में और ये अब जो लास्ट हमारी ब्रांच है यानी अभी जो हम खोल रहे हैं पाँचवीं ये हम गुजरात में खोल रहे हैं। और असल में इसका जितना भी रिवाइव का जो ट्रेंड है जो भी कुछ है वो सब नॉर्वे से है। हम गुजरात में वो फैसिलिटीज़ लेके आए हैं जो गुजरात के लोगों की डिमांड थी, ऑन डिमांड हम इसको सारी चीज़ों को लेके आएंगे, लेके आ भी रहे हैं और लेके आएंगे भी जो जो लोगों की डिमांड होगी। और उसके अलावा जो है हम यहाँ पे इंशाल्लाह जो है लेडीज़ एंड जेंट्स जिम की को भी लेके आ रहे हैं जिसकी इंशाल्लाह हमारी जनवरी में ओपनिंग होगी। रिवाइव ने ओस्लो नॉर्वे में अपनी सर्विसेज और ब्रांड के मियार से कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तान के शहर लाहौर, खारिया, जेहलम के बाद अब गुजरात के अवाम के लिए 5वीं ब्रांच के आगाज पर 30 दिसंबर तक खसूसी डिस्काउंट के साथ कस्टमर को सर्विसेज देना शुरू कर दी है।